वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है दैट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10। 2.10 फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच केस। तो हमको हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे बताते हैं पहले हमें वो समझना है। नंबर ऑफ जीरोस हम बताते हैं कि कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस को क्रॉस करता है तो हम जितनी बार वो क्रॉस करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस हम पर मानते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ गिवन है और यहां पर जो हमारे पास ग्राफ गिवन है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इफ इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नो क्रॉसिंग ऑफ द एक्स एक्सिस देन देयर इज नो जीरोस। राइट, बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट, बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट। सो दैट्स हाउ यू कैन इंटरसेक्ट। नाउ पार्ट नंबर 2, दिस इज द पार्ट नंबर 2। नाउ द ग्राफ इज changing like this, but here it is crossing one time the x-axis. It means number of zeros are 1, because graph intersects the x-axis at 1 point. यहां पर भी हमें लिखना चाहिए ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो स्पेसिफिक हो जाता है। राइट, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो ये ग्राफ है दैट वेरीज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड दिस साइड, बट इट इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। सिंपल यू कैन राइट द नंबर ऑफ जीरोस 3 टाइम क्रॉस किया तो थ्री, नंबर ऑफ जीरोस आर 3। वी कैन सिंपली राइट 3, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट the x-axis at 3 points. So that is simple, you can write. Now the fourth part is this one. So here you can see the graph is crossing the x-axis 2 times. So you can write the number of zeros are 2, because graph intersects
intersects x-axis at 2 points. That's how you can interpret it. Now the fifth part, this is the fifth part. If you can see that the graph is varying, it crosses the x-axis 1, 2, 3, and 4 points. So we can write the number of zeros are 4 because graph intersects x-axis at 4 points. So that's how you can write it. Now the last part, that is part number 6, this is the part. So you can see that this point, here it is crossing and here it is touches the x-axis, here it is also touches the x-axis. These three points where it touches the x-axis or crosses the x-axis. So we can again write the number of zeros is 3. As the graph intersects the x-axis 3 times. So that's how you can write the answer. So this is the overall concept. So hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.